अरे मेरा घिया का जूस कहाँ है? और एक गिलास अपना भी बना लेना डार्लिंग। अरे तुमने जितना जहर पीना ना पियो, मुझे अपनी चाय पीने दो। पता नहीं क्या जूस, कभी करेले का, कभी घिया का, कभी तोरी का, कभी टिंडे का, पता नहीं क्या क्या जहर पीते रहते हैं। हाँ जहर ही तो पी रहा हूँ, तेरी बातें कौन सा किसी जहर से कम है। और एक तरह वो बेटा कहाँ है वो रचित? अरे वो अभी सो रहा है, उसे डिस्टर्ब मत करो, बेचारा पूरी रात पढ़ाई कर रहा था। हाँ सही कह रही हो तुम, तुमने ही बिगाड़ रखा है उसको। देखो सुबह के 9 बज रहे हैं और आपके साहबजादे अब तक सो रहे हैं। जब हमारे लंच का टाइम होता है तब इनके ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, और जब हमारे डिनर का टाइम होता है तब इनके लंच का टाइम होता है, और जब सारी दुनिया सोती है ना तब ये जागते हैं। बेटा नहीं उल्लू पैदा किया है मैंने। अरे तो मैं क्या करूं? तुम अब करोगी भी क्या, जब सुबह उठाने के लिए बोलता हूँ तो क्या कहती है, अजी सोने दो ना, रात में लेट सोया था, पढ़ाई कर रहा था। अरे कोई मेहनत मजदूरी कर रहा था क्या जो लेट सोया था? सारा फोन ही तो चला रहा था। पढ़ाई तो एक बहाना है, असल में तो इन्हें बस फोन चलाना है। अरे इतना शोर क्यों मचा रखा है? अरे क्या हुआ पापा, इतना शोर क्यों मचा रखा है? सारी नींद खराब कर दी आपने मेरी। कुछ नहीं बेटा, मैं प्रवचन सुना रहा हूँ और आपकी मम्मी सुन रही है। आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? जाओ जाके सो जाओ। हाँ पापा कोई नहीं, अब अपने प्रवचन थोड़े धीरे सुनाना। देख रही हो कितनी जुबान चलने लगी है इसकी। बेटा जी अब तो तेरी किस्मत भी सो गई है, अब तो उठ जा, आंखें खोल, देख दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और तू वहीं का वहीं पड़ा है। अरे पापा कहां चली गई दुनिया, यहीं तो है, और आप देखना एक दिन इस दुनिया पर राज करूंगा मैं। बेटा राज बाद में कर लियो, जा जाके पहले ब्रश कर ले। इसके जैसे कितने लड़के इस टाइम तक अपनी नौकरी पे निकल गए और इन्हें दुनिया पे राज करना है। और कोई काम नहीं है तेरे पास? सुबह सुबह गेम खेलना शुरू कर दिया? नहीं। बाप से जबान लड़ा रहा है, चुपचाप अपना चाय पानी पी ले और चल मेरे साथ। साथ चलना है? कहाँ चलना है? बेटा लंदन जा रहे हैं, बैग पैक कर ले। अरे पापा क्यों सुबह सुबह मजे ले रहे हो? हाँ तो बेटा चुपचाप तैयार हो जा, और मजे लूंगा ना तो तू रो पड़ेगा अब। अरे बेटा तेरे को पता तो है अपने पापा की आदत का। अरे कुछ नहीं है, गैस का सिलेंडर भरवा के लाना है। अरे तो पापा साफ साफ बोलो ना। और देखो मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरे को अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। पापा जी मैं कह रहा था कि अभी जस्ट सो के उठाऊं तो सिलेंडर बाद में आ जाएगा। हाँ बेटा कुछ खा पी लो पहले, बाद में आ जाएगा सिलेंडर। इसके मामा जी नहीं बैठे वहां सिलेंडर देने के लिए कि कब रचित जी आएंगे और हम उनको सिलेंडर देंगे। अब फिर इसमें मेरा भाई कहां से आ गया? मैं तो मजाक कर रहा था। अरे चल छोड़ो इन बातों को, अब इस गधे को जल्दी से भेज दे सिलेंडर देके, कहीं वहां सिलेंडर खत्म हो जाए और हमें वापस खाली आता ना पड़े। जा बेटा पहले सिलेंडर लिया फिर आके कुछ खा पी लियो, नहीं तो ये आदमी मुझे जीने नहीं देगा। पापा पापा ये सिलेंडर बहुत भारी है, मेरे से नहीं उठाया जा रहा, हेल्प करा दो आप। अरे तो 20 साल का हो गया तेरे से सिलेंडर नहीं उठ रहा, और एक मैं था 20 साल की उम्र में तेरे को पैदा कर दिया था मैंने। क्या बोले फिर से बोलना। मैं कहाँ कुछ बोला, और तू तेरे से सिलेंडर नहीं उठाया जा रहा, और तुम क्या देख रहे हो खड़ी खड़ी, तुम भी इसकी हेल्प करवा दो सिलेंडर रखवाने में। हम ही करें जो करना है, तुम मत कुछ करना। चल बेटा
अरे पापा थोड़ा आगे होके बैठो ना, ये ले चलो अब। गिरेगा तो नहीं ना? अरे मैं नहीं गिरूंगा, मैं अच्छे से बैठ गया हूँ। तो मैं तेरी नहीं सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। गिर गया तो बेकार में, नया कनेक्शन लेना पड़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। अबे यार अगर इसने देख लिया ना मैं सिलेंडर उठा रहा हूँ तो सारी इज्जत का फलूदा हो जाएगा। पापा आप जल्दी चलो चलो। वैसे तो इतनी हवाबाजी मारता रहता है और यहाँ सिलेंडर उठा रहा है। अरे रचित बेटा, ये ले सामान की लिस्ट, बाजार जा ये सब्जी और सामान ले। अरे पापा मम्मी कहाँ है? ये डिपार्टमेंट तो उनका है ना, आप मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो? बेटा तेरी मम्मी गई अपने घर। अरे तो जब मम्मी वापिस आ जाएंगी तो सामान आ जाएगा, इतनी क्या जल्दबाजी हो रही है आपको? ये पकड़ लिस्ट और ये पकड़ पैसे, सामान चेक करके लाइयो और पैसे का हिसाब ठीक से करियो। हाँ ठीक है पापा, आई एम 20 नाउ। ये लो पापा, सारा सामान ले आया। सारा सामान ले आया ना? हाँ हाँ पूरा है सामान। क्या हुआ? तुझे ये सड़ा हुआ कद्दू लेने के लिए भेजा था मैंने, पैसे तो पूरे दे के आया होगा और सामान लाया सड़ा हुआ। अरे तू कब बड़ा होगा, कब समझदार बनेगा? कुछ भी काम भेजो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आएगा। पापा मेरे को लगा सही दिया होगा, मुझे क्या पता था सड़ा हुआ है। और मैं आपको पहले ही कह रहा था ना ये सब काम मेरे बस की नहीं है। अपने बाप से जुबान लड़ा रहा है, शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं तुझमें? बेटा मैंने सोचा था तू बड़ा होके लायक बनेगा, पर एक नंबर का नालायक बन गया है तू। और बिल का है सामान का? बिल दे। ₹70 बचे हैं ना? हाँ पापा, ₹1 भी ज्यादा नहीं दिया, ₹70 बच गए थे पूरे। हाँ तो ला दे, ₹70 कहाँ है? ₹70 का तो मैंने बर्गर खा लिया। क्या तूने ₹70 का बर्गर खा लिया? हाँ क्या हुआ पापा, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? कुछ गलत करता तो मैं माफ भी कर देता, तूने तो पाप किया है पाप मूर्ख। ₹70 कैसे कमाए जाते तू जानता है? हमारे समय में ₹70 में पूरा महीना निकाल देते थे हम, और तूने ₹70 7 मिनट में खा लिए? बेटा खुद की मेहनत से जब ₹1 कमाएगा ना, जब तुम्हे पता लगेगा कि पैसे की अहमियत क्या होती है। हम यहाँ ₹1 जोड़ के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और ये जनाब ₹70 उड़ा के आ गए। सॉरी पापा, अब नहीं करूंगा आगे से ऐसा। और आप 1 मिनट रुको, ये लो पापा आपके ₹70। आगे से ये गलती, आगे से ये पाप मैं कभी नहीं करूंगा। ये तू कहां से लाया? अपनी पॉकेट मनी से लाया हूं। ये पैसे भी मेरे कमाए हुए हैं, जब खुद कमाएगा ना जब पता चलेगा। ₹70 का बर्गर खा के आ गया। हद है यार। हाँ, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे इसका दोस्त है ना विनय, उसका बर्थडे है, वहाँ जा रहा है ये। तो ये जा रहा है कि तुम जा रही हो? इसका दोस्त है तो यही जाएगा ना, मैं थोड़ी। तो उसको बोलने दो। हाँ पापा मेरे दोस्त विनय का बर्थडे है, वहीं जा रहा हूँ। ठीक है जाओ, और शाम को टाइम से आ जाना। पापा टाइम से तो मैं आ जाऊंगा, वो थोड़े पैसे चाहिए थे मेरे को। पैसे किस लिए? बर्थडे में जाएगा तो खाना तो वहाँ मिलेगा ही, खा के आ जाइयो।
हाँ मुझे पता है वहाँ खाने का मिलेगा, लेकिन उसके लिए कोई गिफ्ट भी तो लेके जाऊंगा ना, ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगा पापा। क्यों खाली हाथ नहीं जा सकता? जब वो तेरे बर्थडे पे आया था ना, वो भी खाली हाथ आया था, मुझे पक्का याद है, फुल प्लेट खा के गया था, तो क्यों खाली हाथ नहीं जा सकता बेटा तू? अरे पापा पर परवर कुछ नहीं, ज्यादा बड़ा आदमी बनने की कोशिश मत कर, समझा? चुपचाप जा और खा के वापस आ जा। अरे दे दो ना कुछ पैसे, ले जाएगा कोई गिफ्ट, ये उस जैसा थोड़ी ना बनेगा। अरे तुम्हें नहीं पता, इन्हें कोई गिफ्ट नहीं लेना, ये सारे पैसे लेके जाएंगे, वहां बैठेंगे, दारू पिएंगे, बियर पिएंगे, नशा करेंगे। क्यों बेटा, यही प्लान है ना? अरे पापा कैसी बात कर रहे हो आप, वहां पे उसकी पूरी फैमिली होगी, उनके सामने ये सब चीजें थोड़ी ना करेंगे हम। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब फैमिली से दूर होते हो तब ये सब करते हो। यही उगलवाना था बेटा मेरे को। रुक अभी, तो मैं बताता हूं तुझे, ये सब गलत हरकतें सीख रहा है ना तू, अच्छी चीजें नहीं सीख सकता। अरे पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। अरे छोड़ो ना ये सब, इसे जाने दो बर्थडे पे। अरे तुम्हें नहीं पता, बर्थडे तो एक बहाना है, असली मकसद तो इनको पूरी रात घर से बाहर रह के मौज मस्ती उड़ाना है। क्यों बेटा, बाप से चलाकी? पापा मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता और ना आपसे कभी झूठ बोलता। आप ये देखो पापा, उसने मेरे को मैसेज कर रखा है कि तेरे को बर्थडे में जरूर आना है, देख लो पापा देख लो। अरे तो ये पहले क्यों नहीं दिखाया बेटा? ये ले 20 रुपए, उसके लिए बढ़िया सी चॉकलेट लेके जाना। 20 रुपए? 20 रुपए लेके जाऊंगा मैं? और अब क्या जाऊं मैं, इतना लेट हो गया, अब तक तो केक भी काट दिया होगा उसने। पापा आप एक काम करो, आप ही चले जाओ मेरे नाम के। हाँ भाई। हाँ भाई, रिजल्ट चेक किया? क्या बात कर रहा है भाई, रिजल्ट आ गया? हाँ आ गया। और तू? अरे मैं क्या आगे बोलना, क्या मैं? अरे भाई तू मैथ्स में फेल हो गया। फेल हूँ? मतलब मेरी कंपार्टमेंट? रचित, हेलो 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 हेलो। हाँ पापा। अरे बेटा तेरा वो दोस्त है ना साहिल, उसके पापा का फोन आया था, बोल रहे थे मेरा बेटा क्लास में फर्स्ट आया है। हाँ पापा मैंने भी सुना तो है, इस साहिल को तो मैं बाद में बताऊंगा। हाँ तो बेटा कितने परसेंटेज आए, जल्दी से बता, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा। वो पापा? अरे बता बेटे, 1-2% कम भी हो गए तो भी कोई चिंता नहीं, बता। पापा वो ना मैथ्स में थोड़ा सा। क्या क्या मैथ्स में, जल्दी बोल बेटे। पापा वो मैथ्स में मैं फेल हो गया। फेल हो गया मतलब कंपार्टमेंट? अरे सुन रही हो, देखो क्या रंग लाई है मेरे पूरे साल की मेहनत और पूरे साल की कमाई जो मैंने इसके स्कूल की फीस और कोचिंग में भरी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? रिजल्ट आया राजकुमार का और मैथ्स में फेल है। फेल नहीं हूँ पापा, कंपार्टमेंट है। कोई बात नहीं, बाकी सब में तो पास है ना बेटा तू? हाँ मम्मी बाकी सब में पास हूँ और टोटल मिला के 500 नंबर आए हैं। बताओ 500 नंबर लाया है, कितने सही नंबर आए हैं, तुम्हारे आए थे कभी? फालतू में डांट रहे हो मेरे बेटे को। अरे तुम चुप रहो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने, और तू थोड़ी सी भी हमारी इज्जत की शर्म करी होती ना तो ये दिन नहीं आता। वही शर्मा जी का लड़का देख, टॉप पे टॉप किए जा रहा है और ये नीचे से टॉप कर रहा है। सॉरी पापा, इस बार पूरा मन लगा के पढ़ाई करूंगा। हाँ हाँ, आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा, मन लगा के पढ़ेगा। अब बचा ही क्या है इसके पढ़ने को। बेटा ऐसा है, तू अपना समय और मेरा पैसा बर्बाद ना कर। तू एक काम कर, स्कूल से नाम कटवा ले और घर बैठ के अपनी मम्मी का घर के कामों में हाथ बटवा। देख क्या रहा है, इतना भी नहीं कर पाएगा क्या? एक मैं था, खुद कमाता था, खुद स्कूल की फीस भर के पढ़ता था और कभी फेल नहीं हुआ मैं। एक तू है, घर के कामों से तो कोई मतलब ही नहीं, स्कूल की फीस भी टाइम पे मिल जाती है और जिंदगी वो तो पूछो ही मत, ऐसे कट रही है जैसे किसी रियासत का राजकुमार है ये। एसी और पंखा चला के सोना है, 10 बजे सो के उठना है, खा के फिर सो जाना है, ज्यादा फैसिलिटी देने के कारण ही ये हाल हुआ है। एक काम करता हूं,
आज से तेरे कमरे के एसी का कनेक्शन कट, घर के वाईफाई का कनेक्शन कट, और बेटा अब तुझे पॉकेट मनी रोजाना नहीं महीने में एक बार मिलेगी। अरे नहीं पापा, प्लीज प्लीज ऐसे मत करो, बहुत मेहनत करूंगा और पास हो जाऊंगा, बहुत मन लगा के पढ़ाई करूंगा। अब तू जब तक पास नहीं हो जाता यही रूल फॉलो होगा इस घर में। अजी ऐसे तो तुम चुप, ज्यादा बोली ना, तुम्हारे कमरे के एसी का कनेक्शन भी कट और काम वाली को हटा दूंगा, फिर करते रहना सारा दिन घर का काम। और होले तू फेल। मेरी तो बस कंपार्टमेंट ही आई है, सैड लाइफ खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। हे गाइस, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और पूरी वीडियो में से कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट मेरे को बताओ। और गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो चैनल पे नया आया वो तो जरूर कर दो सब्सक्राइब, और जो पुराने हो वो घंटा दबा दो। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और फटाफट से 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स करा दो, फिर 10 मिलियन पे आपको बार बार बोल रहा हूं एक छोटा सरप्राइज आपके लिए, बहुत पसंद आएगा आपको, तो फटाफट से 10 मिलियन सब्सक्राइबर करवाओ। बाकी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो वीडियो को। बहुत जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय गाइस, लव यू।